और बढ़ती गर्मी के चलते लोग काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। लू और गर्मी से लू लगने की शिकायत भी काफी लोगों से सामने आई है और इस कारण एमवाई अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। प्रदेश के सबसे बड़े एमवाई अस्पताल में इन दिनों ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। रोज 12 से 15 हजार मरीज आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर गर्मी के मौसम के कारण पेट रोग से पीड़ित नजर आ रहे हैं। लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि गर्मी के मौसम में दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर ना निकलें, विशेषकर बच्चों को घरों के अंदर रखें, जिससे लू लगने से बचा जा सकेगा। वहीं बाहर जाना आवश्यक हो तो दही छाछ, लस्सी, प्याज, पना और नींबू पानी आदि का सेवन कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। गर्मी के मौसम में 6 से 7 लीटर पानी पिएं, जिससे कि पेट संबंधी रोगों से बचा। जी सर बताइए, गर्मी ज्यादा बढ़ गई है और पेशेंटों की तादाद भी बढ़ रही है। गर्मियों में रहता है लोगों का काफी ज्यादा रहता है। मेन तो डिहाइड्रेशन की शिकायत काफी होती है, जिसको हम इंग्लिश में सनस्ट्रोक और हिंदी में लू भी बोलते हैं। इससे बचने के लिए मरीजों को ये खास ध्यान रखें कि घर से जब भी निकलें तब दही छाछ पानी का एडिक्वेट सेवन करके निकलें, और धूप में भी अवॉइड करें। लगभग 11:30 से लेकर 3:30-4 तक का समय अवॉइड करें बाहर निकलना। और इवन खासकर जो बच्चे हैं, जिनकी इस समय स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो कई बार इसी समय घर से बाहर खेलने निकल जाते हैं, तो उनमें क्योंकि उन बच्चों में ज़्यादा कई बार ये तकलीफें हो जाती है। और दूसरा, कई बार बाहर खाने पीने से जो पेट खराब होता है उसके कारण जो उल्टी दस्त लगते हैं, उससे भी कई बार पानी शरीर में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। तो एट एनी कॉस्ट अपने को ये देखना है कि कहीं भी मरीजों या लोगों में डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए पानी का हर एटलीस्ट 24 घंटे में 6 से 7 लीटर का सेवन होना चाहिए। पेशेंट बड़े हैं, इस बार हीट स्ट्रोक के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं अभी, पर अपने यहाँ सारी जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी तरह उसको व्यवस्थित तरीके से हैं। इसके पहले हम लोग की मीटिंग्स होती है, उसमें हमने डिसाइड पहले से प्रोटोकॉल कर लेते हैं, और सारे जो हमारे साथ के डॉक्टर्स और जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको आगे होके हिदायत दे दी जाती है कि इसमें अपने को आगे रह के उसको कैसे मैनेज करना है। डॉक्टर प्रणय बाजपेयी, मेडिसिन विभाग।